हेलो बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, संभावना है आप स्वस्थ एवं सक्षम होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम विलेन का आज पांचवा वीडियो अपलोड किया जाएगा। आपको बता दिया जाए, अगर हम छोटा सा एक व्यू देखें विलेन के चैप्टर के बारे में, तो पूरे चैप्टर को तीन वर्ग में डिवाइड किया जा सकता है। एक फंडामेंटल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि उसका कितने भाग हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कितने वर्गों में बांटा गया है, एक वो है। दूसरा है कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता इकाई। और थर्ड पार्ट जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का अणुसंघ गुण। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम विलयन के अणुसंघ गुण के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें देखो, अणुसंघ गुण किसको बोला जाता है, कितने अणुसंघ गुण हैं, फिर उसमें इसी में आगे बढ़ते बढ़ते फिर आप हेनरी वर्ग का नियम पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम आज पढ़ा जाएगा विलयन का अणुसंघ गुण। विलयन का अणुसंघ गुण किसको बोला जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। किसको बोलेंगे आप, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है। विलयन का वह भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के नाम से ही है, अणुसंघ गुण यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। विलयन का वह भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या, कणों की संख्या आयनों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर, मोल प्रभाज को एक्स से डिनोट करते हैं, आपको बताया गया था, मोल प्रभाज पर निर्भर करता हो, उसी को बोला जाता है विलयन का अणुसंघ। विलयन का वह भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, आयनों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, इसी को अणुसंघ गुण बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम देखें अणुसंघ गुण कौन कौन से हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ये हम देखेंगे। कोलिगेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो चार होता है। एक है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोला जाएगा, एक है वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एक है हिमांक का अवमन। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, ये
ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाष्प दाब का अनुमान लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का उन्नयन डिप्रेशन और लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका ऑडिशन के गुण। मेरे प्यारे बच्चों, हम देखें ऑडिशन के गुण में प्राशन दाब, वाष्प दाब का अवनमन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन डिप्रेशन और लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये चार ऑप्शन के गुण है, बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन एकदम श्योर है इससे आना, एकदम निश्चित रूप से बहुविकल्पीय में एक क्वेश्चन आपको रहेगा कि आप कैसे निकालोगे। अगर दे देगा एक प्रश्न जैसे दे दें कि कैसे इससे संबंधित सवाल देगा। मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से किसी कॉम्पिटिशन में अणुसंख्य गुण से विलयन का न पूछा जाए ऐसा संभव ही नहीं है। आप देख, लेकिन आप ट्रिक तुरंत आप चुटकियों में लगा लोगे आप प्रश्न। हम देखें, अगर कह दे NaCl AlOH का होल थ्राइस और यूरिया, कह दे कि इसको पराशरण दाब के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पराशरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है इसका। आप देखोगे अणुसंख्य गुण जो आयनों की संख्या, अणुओं की संख्या, कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, पराशरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। आप क्या करो कि कोई जितना अधिक आयनित होगा, आयनों की संख्या जितनी अधिक बनेगी उसका अणुसंख्य गुण उतना अधिक होगा। उसका अणुसंख्य गुण उतना अधिक होगा कहने का मतलब क्या है, उसका पराशरण दाब उतना अधिक होगा, उसमें वाष्प दाब का अवनमन उतना अधिक होगा, क्वथनांक में उन्नयन उतना अधिक होगा, हिमांक में अवनमन उतना अधिक होगा। आपसे पूछे पराशरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो तो इसमें NaCl आयनित हो जाएगा, Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, यहां दो आयन बन गया, ठीक है ना। फिर AlOH का होल थ्राइस ये टूटा Al3 पॉजिटिव में, 3OH1 नेगेटिव में। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन होगा आपको तो AlOH का होल थ्राइस बना कैसे, Al थर्ड ए ग्रुप का तत्व है, तीन इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूरा किया, 3 पॉजिटिव आया, हाइड्रोक्साइड आयन OH है। कैसे पता चला कि वो नेगेटिव है? नहीं आपको पता है, संरचना बनाने अगर आपको आता है, आप 11th में अगर पढ़े हो तो उसमें ऑक्सीजन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, लेकिन पूरी कितनी है, एक केवल। तो हम क्या करेंगे कि एक और पूरा करने के लिए, नेगेटिव जो होता है एक वैलेंसी को पूरा करता है, पॉजिटिव अगर रहेगा तो वो वैलेंसी, अगर तीन कोई तत्व दिखा रहा है उस पर एक पॉजिटिव आ गया यानी कि वो चार वैलेंसी शो करेगा। नेगेटिव अगर किसी पे आ गया तो अगर वो दो वैलेंसी शो करता है तो केवल एक बॉन्ड आप बनाओगे। तो ऑक्सीजन एक संयोजक का ये और एक रिडामेज से हो गया, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो पूरी, कंपाउंड बनेगा OH1 नेगेटिव। जब कंपाउंड बनता है तो धनायन का ऋणायन के नीचे, ऋणायन का धनायन के नीचे आता है, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, AlOH का होल थ्राइस बन गया तो आयनित होगा, तो Al3 पॉजिटिव, इसका चार्ज इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि एक नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव, लेकिन AlOH के होल थ्राइस में 3 OH है, इसके कारण से 3 OH दिखा दिया गया। तो कुल आयन कितना बन गया, एक Al और 3 OH, कुल मिला के 4, ठीक ना। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूरिया NH2 CO NH2 आयनित नहीं होगा,
उसमें चूंकि सभी तत्व जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, इस कारण से वो आयनित नहीं होगा, आयनित नहीं होगा तो उसमें कोई आयन नहीं बनेगा। तो आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अणुसंख्य गुण बढ़ता जाता है, जस्ट पीछे आप पढ़े तो क्या कर दोगे आप, तो अणुसंख्य गुण का बढ़ता क्रम, परासरण दाब का बढ़ता क्रम अगर पूछा है तो आप क्या करोगे, AlOH का होल थ्राइस सबसे अधिक है, इससे कम किसका, इससे कम NaCl का और सबसे कम यूरिया है। ऐसे आपसे यही पे वास्तव दाब के अवनमन के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो अवनमन में सबसे अधिक उसी का होगा जिसका अणुसंख्यक गुण अधिक होगा, AlOH का होता है इसे एक क्रम, ठीक है ना। आप ध्यान रखोगे कि पूछा क्या जा रहा है, वो घटता क्रम पूछ रहा है कि बढ़ता क्रम पूछ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अणुसंख्यक गुण का पहला जो है परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ेंगे। परासरण वगैरह आप नाम सुने होंगे, बायोलॉजी में भी थोड़ा सा आप सुने होंगे कि परासरण और विसरण होता है, उसे संबंधित थोड़ा सा है, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। किसको बोलेंगे परासरण, किसको परासरण दाब बोला जाएगा, तो परासरण दाब जानने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आप जानो कि परासरण किसको बोलते हैं, परासरण किसको बोला जाएगा, पहले जाने परासरण दाब जानने से पहले आप जानिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे, हम पहले परासरण जान जाए तब तो परासरण दाब जाने, तो इसमें परासरण किसको बोला जाता है, एक सिंपल सा उदाहरण आप जानो, आपके घर में किसमिस होगा, नहीं होगा, लॉकडाउन की स्थिति है, सुबह थोड़ा सा जाओगे तो मिल जाएगा, आप किसमिस को ले आकर के और पानी में डालो, पानी में डाल दोगे सुबह तक आप देखोगे कि वो फूल करके और अंगूर की तरह बन जाएगा, तो वो किस कारण से हुआ, जो बाहर का पानी था वो अंदर चला गया, यही परासरण का उदाहरण। आप क्या करोगे, कोई बहुत ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन लेकर के और अंगूर को आप उसमें डाल दीजिए, तो अंगूर का जो अंदर का रस होगा वो बाहर चला जाएगा, उसमें क्या होगा, हमेशा जो प्रवाह होता है द्रवों का वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन सांद्र विलयन आप पढ़े हो, यानी कि पतले विलयन से गाढ़े विलयन की तरफ जाता है, तो क्या होगा कि अंदर से अगर बाहर का गाढ़ा है अंदर से बाहर चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों पिछले इसमें आप देखोगे परासरण से संबंधित, अगर आप अंडा ले लो, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, आप अंडा लेकर के उसका ऊपर का छिलका बस हटा दीजिए तो एक पतली सी परत और होती है, उसको अंडे की जर्दी बोला जाता है, मेम्ब्रेन ऑफ एग, वो क्या करेगा, अगर आप उसके ऊपर का खोल हटा करके और उस जर्दी को रहने दें, एक और पतला छिलका होता है उसको रहने दो, आप उसको क्या करें कि अंडे को उठा करके और पानी में रख दीजिए ऊपरी खोल हटाकर, जब पानी में रख देंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि अंडा जो है वो पहले की तुलना में थोड़ा सा फूल जाता है। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा हुआ कि बाहर का बाहर जल था, अंदर का थोड़ा सा गाढ़ा सोल्यूशन था, अंदर आपका बाहर से अंदर की तरफ जब चला गया वो खुल गया। वहीं पे आप क्या करोगे कि अंडे को आप जब नमक के सांद्र विलयन में डाल दोगे, नमक के सांद्र विलयन में डालोगे तो बाहर का जब सांद्र विलयन हो गया, सांद्र विलयन जिसमें और अधिक विलेय न बोला जा सकता हो, तो अब क्या होगा कि अंदर से पानी बाहर की तरफ आएगा और अंडा जो होगा पहले की तुलना में थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। ये परासरण के कारण से मेरे प्यारे बच्चों होता है। परासरण किसको बोला जाता है, एक सिंपल सा बस आप फिगर देखो सब समझ जाओगे। ऐसे पात्र ले लो, यहां पे एक मेम्ब्रेन लगा दो जिसको कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी
मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अर्धपारगमी झिल्ली ऐसी झिल्ली है जो अपने अंदर केवल विलायक के अणुओं को प्रवेश देती है, अपने अंदर केवल विलायक सॉल्वेंट को जाने देगी, सॉल्यूट को नहीं जाने देगी, या पतले विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन को जाने देगी, कंसंट्रेट सॉल्यूशन को नहीं जाने देगी। इसमें क्या होगा, इसमें केवल अर्धपारगमी झिल्ली में सॉल्वेंट प्रवेश करता है। क्या इसका उदाहरण है, तो इसमें कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जिसको कि सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। आप देखोगे अंडे की जर्दी, ये जो है वो अर्धपारगमी झिल्ली है जो अपने अंदर केवल विलायक कणों को प्रवेश देगी। ये तो आपका नेचुरल पारगमी झिल्ली है। मेरे प्यारे बच्चों एक बता दें आपको, कॉपर फेरोसाइनाइड C2Fe6, C2Fe6 कॉपर फेरोसाइनाइड जो है वो आर्टिफिशियल पारगमी झिल्ली है, मैन मेड है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो प्राकृतिक है उसकी तुलना में भी ये कॉपर फेरोसाइनाइड जो है वो ज्यादा बेटर है। परासण अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलायक, एक तरफ हम क्या कर दें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए, एक तरफ हम विलायक रह दें, इधर रहे सॉल्वेंट विलायक, और एक तरफ हम क्या करें विलयन कर दें, गाढ़ा सॉल्यूशन है उसकी तुलना में। तो अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलायक से विलयन की ओर, हम पहले बताए हैं कि अर्धपारगमी झिल्ली ऐसी झिल्ली है जो अपने अंदर विलायक को जाने देगा, तो इसमें विलायक से विलयन ये सॉल्यूशन है, विलायक से विलयन की ओर, अथवा तनु विलयन से अगर तनु विलयन और सांद्र विलयन है तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाएगा, पतले विलयन से गाढ़े विलयन की तरफ जाएगा। तो अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर के स्वतः प्रवाह को, जो नेचुरल फ्लो होगा उसी को बोला जाएगा ऑस्मोसिस, उसी को बोलेंगे परासरण। ठीक है, एक बात यहां पे और जान जाओ, इसमें परासरण तो हो गया, एक आप रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़े हो, आप पढ़े हैं विपरीत परासरण या प्रतिपरासरण, ये भी जान जाओ आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़िए उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस भी दिया हुआ है, आरओ दिया है आपके घर में, आरओ लगा होगा जिससे कि जल शुद्ध होता है, समुद्र वगैरह का जल शुद्ध किया जाता है आरओ के द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे, इसमें हम क्या करें कि सॉल्यूशन पर इतना अधिक दाब डाल दें कि इधर से ये सॉल्वेंट की तरफ आने लगे, विलायक की तरफ आने लगेगा, जब ऑस्मोसिस के विपरीत क्रिया होगी, यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, इसको बोला जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्वेंट यानी कि विलायक से विलयन सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, इसको बोला जाएगा परासरण, इसको बोला जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस या विपरीत परासरण या प्रतिपरासरण। ठीक है, तो अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर के स्वतः प्रवाह को बोला जाएगा ऑस्मोसिस। आ रही बात समझ में, अब देखिए अब आ जाओ परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसे में हम समझ लेंगे, ऐसे ही विलयन धीरे 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 बढ़ते 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 इतना होगा, इसमें से ये आ रहा है अंदर की तरफ, ये सॉल्यूशन पूरा भर गया ऐसे ऊपर से, ऐसे थोड़ा सा खाली करके
ऐसे इसमें ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है, ऐसे गाढ़ा सॉल्यूशन। किसको परासरण दाब? सेम डिफिनेशन, थोड़ा सा अंतर होगा। आप देखिएगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर के स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब बोला जाता है परासरण। एक बात आप ध्यान से थोड़ा सा देखो, आप अपने मन में सोचो ऐसा कि अगर हमको यहां पर परासरण की क्रिया रोकनी है, परासरण की क्रिया रोकनी है यानी कि सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में नहीं जाने देना है, तो क्या करेंगे हम? सॉल्वेंट पे क्या खूब ज्यादा दाब लगा देंगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी? नहीं। क्या होगा? अगर सॉल्वेंट पर ज्यादा अगर आप दाब डालोगे तो जितना सॉल्वेंट है सब सॉल्यूशन में चला जाएगा। रुकेगा कैसे? जब आप सॉल्यूशन पर दाब लगा दो। इसमें क्या है कि यहां तक ऐसे जा रहा है, जब तक दोनों का सरफेस बराबर हो जाएगा तब क्रिया रुकेगी। यहां पे हम क्या है, अभी इसमें सॉल्वेंट इतना है और यहीं पे हम क्या करें, इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगा दें, पिस्टन लगा करके एक प्रेशर इस पर डाल दिया जाए, तो ऐसा प्रेशर रहे, ऐसा प्रेशर ना रहे कि इधर से विलायक जाता रहे और पिस्टन धीरे 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 आपका उठता रहे, नहीं, ऐसा आवश्यक अतिरिक्त दाब, ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि इस सिस्टम में परासरण की क्रिया को रोक देता हो, उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वह अतिरिक्त दाब जो निकाय में परासरण की क्रिया को रोक दे, उसी को बोला जाएगा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। या अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर के स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। आगे बात समझ में, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इस पे हम सॉल्यूशन पर क्या कर दें कि प्रेशर लगा दें, प्रेशर लगा देंगे अगर ज्यादा होगा तो ये सॉल्वेंट को अंदर नहीं जाने देगा, इसी को आप अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सा एक ग्राफ के रूप में आप समझ सकते हो, केवल इतना लिख दो आप समझ जाओगे कि ये सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, सॉल्यूशन पे एक प्रेशर लगा दिया गया जो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में प्रवेश नहीं दे रहा है, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को इस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बात समझ में? एकदम सिंपल सा मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसमें एक आता है समपरासरण विलयन, समपरासरण अति परासरण तथा और परासरण विलयन। और परासरण विलयन आइसोट्रोनिक अति परासरण हाइपरट्रोनिक एंड अल्परासरण को हाइपोट्रोनिक बोला जाता है। आइसोट्रोनिक सॉल्यूशन, हाइपरट्रोनिक सॉल्यूशन और हाइपोट्रोनिक सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा? एकदम सिंपल सा है, आप ध्यान से देखिएगा किसको अतिपरासरण, किसको समपरासरण और किसको अल्परासरण विलयन बोला जाएगा। दो विलयन आप मान लोगे है,
ऐसे दो सॉल्यूशन है, एक का परासंदाब पी वन है, दूसरे का पी टू। इसमें क्या होगा, समपरासारी विलयन स्थिर ताप पर जब दो विलयनों का परासरण दाब एक समान हो, P1 is equal to P2, this is called isotonic solution, समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयनों की सांद्रताएं जो होती हैं, सांद्रता कौन सी, मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, मोलर सांद्रताएं एक दूसरे के बराबर होगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दो विलयनों में मान लो कि P1 का ऑस्मोटिक प्रेशर P2 की तुलना में थोड़ा सा अधिक है, P1 इज ग्रेटर देन P2। किसी निश्चित ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें ये ग्रेटर और लेसर का चिन्ह लगाना आप जानते हो ना, आप छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते हैं कि किधर किधर ग्रेटर लगेगा, कैसे लेसर लगेगा। आप देखो जैसे दो और पांच है, इसमें हमको लगाना है ये साइन कैसे लगेगा, तो हमेशा ही इसका जो मुंह होता है मुंह हमेशा बड़े की तरफ रहता है और इसकी टेल जो होती है हमेशा छोटे की तरफ रहती है। तो ये टू इज लेसर देन फाइव, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव इज ग्रेटर देन टू, जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह रहेगा। तो यहां पर बताया गया है कि पी वन का परासरण दाब अगर अधिक है, पी टू का परासरण दाब यदि कम है, तो पी वन वाले को हाइपरटोनिक, पी टू वाले को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाए। हाइपर हाइपर हाइपो में भी कंफ्यूजन होता है आगे चलकर के आप देखोगे, तो हाइपर क्या है, हाइपर मतलब कि अधिक, हाइपो मतलब कम, हाइपर कैसे अधिक हो गया, जैसे जैसे कभी कभी कहीं दो लोग अगर लड़ झगड़ जाते हैं तो कहा जाता है कि ये थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं यानी कि ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, और हाइपो मतलब भी कम होता है। आप कंफ्यूजन इस चीज में नहीं होना चाहिए। तो इसमें आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें परासरण परासरण दाब किसको बोला जाएगा, समपरासारी, अधिपरासारी और अल्पपरासारी विलयन किसको बोला जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। हम अगले दिन परासरण और विसरण में अंतर और परासरण दाब से संबंधित कुछ नियम हैं, बायर वानटॉफ नियम है, चार्ल्स वानटॉफ नियम है, उसके बारे में और उससे संबंधित सवाल अगले दिन पढ़ा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक न हो तो आप बाहर न निकलें, आप ही की भलाई के लिए पूरा हमारे देश के पूरे डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। आपको जबरदस्ती अगर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है तो वो केवल और केवल आपके लिए है, आपका जीवन देश के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयास करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।